नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता मिश्रा और मैं मनोज माइंडकर। जाने दे सिसकी थम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रस्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। मार्च महीने का कैलेंडर की श्रृंखला में अनूठा स्थान है, खासतौर पर साहित्य और शिक्षा के लिहाज से। एक ओर देश के घर घर में कोई न कोई विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त, साथ साथ अन्य परिवारजनों की उतनी ही मानसिक उधेड़बुन जैसे उन्हें ही किसी इम्तिहान में बैठना हो, और माता पिता का अक्सर बेबस होकर बच्चों से गुहार लगाना कि अब तो कम से कम मोबाइल को विराम देकर पुस्तकों और लेखन को रिविजन के लिए अपना ले। घर घर की कहानी। अच्छा, दूसरी ओर यही महीना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अद्भुत विभूतियों के सकारात्मक महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है। हमारी विस्तृत साहित्य गाथा में काल दर काल कई अतुलनीय नाम उभरते हैं। उदाहरण के तौर पर अपाला घोषाल उपामुद्रा, फिर आंडाल, उधर ललदेद और मीरा, इधर आधुनिक काल में आते हुए अरुणा असफली, दुर्गाबाई देशमुख, रमाबाई अंबेडकर, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय लेखन और शिक्षा को एक साथ देखने को प्रेरित करती हैं, और ऐसे कई और नामों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल के ये जो 4-5 नाम तुमने लिए, उनसे तो स्वाधीनता संग्राम के अलावा देश की कुछ शीर्षस्थ संस्थाओं की संस्थापना का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। धन्य है ये धरती जहाँ इन महान महिलाओं ने जन्म लिया और विषम परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए देश को वैचारिक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया वेमेन्स कॉन्फ्रेंस, आंध्र एजुकेशन सोसाइटी, ये तो बस सिर्फ कुछ मूर्त मिसालें हैं जो इनके प्रयास बीजों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हाँ, साहित्य जैसी विधा के वैश्विक स्वरूप को देखते हुए अवश्य याद आती है हेलेन केलर के संघर्ष और रचनात्मक लेखन की। विश्व की न जाने कितनी महिलाओं को उन्होंने हिम्मत दी होगी, प्रेरित किया होगा। हमारा देश तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला साहित्यकारों का यथोचित सम्मान करता है विविध आयोजनों में। शून्य मंदिर मैं बनूंगी, आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। अर्चनाओं शूल भले, सार द्रग जल अर्घ होले, आज करना सात उजला दुख हो मेरा पुजारी। नूपुरों का मुख छूना, सर्व कर दे विश्व सुना, ये अगम आकाश उतरे कंपनों का हो अधिकारी। लोज तारक भी अचंचल, चलन मेरा एक पुत्र, अचल रोमों में समाई मुग्ध हो गए त्यार सारी। राग मत की दूर लाली, साथ भी इसमें न पाली, शून्य चितवन में बनेगी मुख हो गाथा तुम्हारी। शून्य मंदिर मैं बनूंगी, आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। हिंदी साहित्य सलिला में छायावाद की सशक्त स्तंभ महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। हमारे लिए प्रकृति मानो वेदांत की वो सांख्य की वो प्रकृति है जिसमें ब्रह्म तो निर्विकार है और प्रकृति चंचल है, वो ही उसको पाना चाहती है। और छायावाद में हर एक वृक्ष लता सब स्वतंत्र हैं, सब सजीव हैं और एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। कालिदास ने शकुंतला को ऐसा रखा है कि लता भी उसकी सहोदराएं हैं या हिरण भी उसका सहोदर है, लेकिन अलग हैं सब। और उसमें सांख्य में प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न हैं, पर
दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, तो राष्ट्रवाद तो सब में एक तत्व ढूंढता है, एकता ढूंढता है, और आत्मा से परमात्मा की एकता ढूंढता है। छायावाद में चेतना संपन्न है, सब अलग हैं एक दूसरे से, सचेतन है, और जो वनस्पति है वो भी जीवित है, हमारे लिए फूल जीवित हैं, वृक्ष जीवित हैं, हर एक तिनका जीवित है। मनुष्य का दुख आत्मसात तब होता है जब पहले प्रकृति का हो जाता, तो पहले हमारी करुणा पशु पक्षियों के साथ होती है, तब मनुष्य तक आती है वो। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि वो ऐसा वातावरण था कि उसमें सहज ही हमारे मनोभाव जाग जाते थे, तो मुझे में जो कुछ है अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी, मिली मुझको उसी जगह से। इसी महीने की 26 तारीख को महादेवी वर्मा की जयंती है। राष्ट्र निर्माण में उनके लेखन के विशिष्ट योगदान को नमन करते हैं और सुनते हैं राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। हमें पता है दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राजधानी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय साहित्योत्सव की। विविध भारतीय भाषाओं बोलियों की ये संगम स्थली एक वार्षिक वैचारिक कुंभ ही होती है। अब नहीं रहा जाता, सीधे चलते हैं जम्मू और मिलाते हैं डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित जानी मानी शिक्षाविद और साहित्यकार प्रोफेसर वीना गुप्ता से। उनकी चयनित विधा भी बहुत दिलचस्प है। दो बातें प्रोफेसर वीना गुप्ता के साथ। श्रोताओ, आपको याद होगा, नहीं तो हम आपको याद दिला दें कि 1972 से लेकर के 1976 तक प्रोफेसर डॉक्टर वीना गुप्ता जी तब रेडियो कश्मीर जम्मू से जो डोगरी में खबरें हुआ करती थीं, उनमें समाचार वाचक के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर वीना गुप्ता जी रेडियो कश्मीर जम्मू का हिस्सा रहीं। आज हम आकाशवाणी जम्मू के नाम से जाने जाते हैं। वो अनुभव भी आपके यकीनन बहुत काम आया है। बहुत काम आया है, उसी ने मुझे डोगरी के साथ जोड़ा और इस राह पर लाया। जी 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 जी। प्रोफेसर डॉक्टर वीना गुप्ता जी 1976 में अध्यापन से जुड़ी और फिर 2010 में जो हमारा जम्मू विश्वविद्यालय है वहां से सेवानिवृत्त हुई, डोगरी का जो विभाग है उसकी अध्यक्ष थी आप। अब ये जो पुस्तक है आपकी छह रूपक, जिसके लिए साहित्य अकेडमी ने आपको सम्मानित किया है, बेसब्री से हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये छह रूपक अपने आप में एक थोड़ा नया सा नाम है, तो ये क्या है और क्या कुछ खास है इसमें? खास तो खैर जो पढ़ेंगे वो खुद ही महसूस करेंगे, लेकिन मेरे लिए खास ये है कि डोगरी के समाज के लिए भाषा बहुत अहम चीज है। मैं समझती हूँ कि 1944 के दशक में डोगरी समाज में जागृति आई, तभी भाषा के बारे में जानने लगे, तभी लेखन कार्य जो है निरंतर गति से होने लगा, और तभी से लेकर आज तक हम अपने साहित्य का सरमाया देख पाते हैं। मुझे लगता है कि इस समाज के लोगों के लिए पहला जो मुख्य मुद्दा है वो भाषा है, और भाषा के बारे में उनको जागरूक होना चाहिए कि हमारी डोगरी भाषा जो है किसी भाषा की उपभाषा नहीं है, ये एक स्वतंत्र भाषा है। और किसी जमाने में हम लोग भी जब स्कूलों में पढ़ते थे तो एक हीन भावना से शिकार थे, घर में डोगरी बोलते थे और बाहर स्कूल में आकर अपनी सहेलियों के साथ कभी पंजाबी और कभी हिंदी में बात करनी, तो हमें लगता था कि ये डोगरी भाषा जो है वो उनके मुकाबले में पूरी नहीं उतरती, और ये एक जहनियत जो है ये सारी डोगरा जाति में थी। तो ये हमने आलम देखा है कि इस प्रकार से हम अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। फिर दूसरी बात थी कि डोगरी में जो लिखा गया वो इतना बेहतरीन है कि हम दूसरी भाषाओं के लेखन के साथ बराबर के पलड़े में रख करके तोल सकते हैं उसको, और उसके लेखन के बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। जैसा प्रोफेसर आप कह रही हैं कि भाषा कभी भी
एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और डोगरी भाषा तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे जो शुरुआती दिनों की डोगरी का, जैसे आपने कहा कि 1944 से निरंतरता आई डोगरी लेखन में, दीनू भाई पंत जी ने जो कहा है इंदी साड़ी दादी है, बिल्कुल डोगरी है मां, दादी थार दादी है ते माऊ थार मां। तो नहीं तो बात है, हम हिंदी से इतना प्यार करते हैं, हम उर्दू से प्यार करते हैं, हमारी कश्मीरी भाषा जो है उसके साथ प्यार करते हैं, पंजाबी लोगों के साथ हमारे संबंध है, और डोगरी की जितनी छोटी मोटी शेड्स हमें मिलती हैं पुंछी के रूप में, दूसरी भाषाओं के रूप में, हमारे डुग्गर के इलाके में इतनी मतलब इसकी खूबसूरत शेड्स हैं जो बोली जाती हैं, तो हम इसी में डोगरी की खूबसूरती को देखते हैं। वाह वाह, और इसी खूबसूरती के साथ जो ये आपकी किताब है छह रूपक जी, इसमें भी वही सुंदरता है, तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप बताएं कि इसमें जो छह रूपक हैं वो किन किन विषयों पे हैं। पहला रूपक जो है वो मैंने डोगरी भाषा के रूप स्वरूप और उसकी उच्चारण की कुछ जो विभिन्नताएं हैं उनके ऊपर रखा है, इसकी जो विशेषताएं विशेषताएं हैं वो, हाँ वो मैंने उजागर की हैं, इसलिए कि हमारा कोई आम फैम जो पाठक है जो श्रोता है वो इसको सुन के पढ़ के मतलब ये महसूस कर सके कि डोगरी भाषा कितनी सुंदर भाषा है, कितनी मीठी भाषा है, और इसके बोलने में क्या क्या कुछ अपनी खासियतें हैं। ये मैंने बड़ी सरल सादा और ऐसे तरीके से बयान करने की कोशिश की है कि कोई भी पढ़े और उसे ये अपनी ही बात लगे, और बिल्कुल मतलब कि रुचिपूर्ण तरीके से बारीकियों को समझे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको समझाने का ढंग भी मैंने ऐसा ही लिया जैसे एक शब्द की वो मैंने कहा ये बार है, तो हम इसे सिंपली बोलेंगे ये बार है, तो इसको हम इस तरह से एक छोटे से टोन के साथ बोलेंगे और ये बार है, तो इसको हम इस लहजे में के साथ जुड़ गया जोड़ेंगे। तो ये डोगरी की खूबसूरती है, ब आ और र तीन ध्वनियां लेकर हम कितनी सुंदर कायनात खड़ी कर देते हैं अपने शब्दों की जी जी। तो ये खूबसूरती है डोगरी की। दूसरे रूप में वेदपाल दीप के बारे में बात की जी। उनकी गजल के बारे में बात की कि उनकी गजल में कौन कौन से रंग हैं, किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, और अपनी धरती के लोगों की बात की जो आहित है शोषित है, तो उनकी बात की और किस तरह से उनके सीने में दर्द था उन लोगों के लिए, और उसने और भी बहुत सारे मुद्दे लिए लेकिन विशेषकर जो जनता के साथ जुड़े थे उनको मैंने, और वेद जी ने जैसे एक जगह जैसे अपने दर्द की बात की तो उन्होंने अपने दर्द को भी उसमें बयां किया है, उंदा बादा जैसा रहा कसूर उंदे रे आस जिंदगी पर लूर लूर। वाह वाह क्या बात है, एक प्रयास ये था। दूसरा था नरेंद्र खजूरिया, उसने डुग्गर के जो ग्रामीण और दूरदराज के इलाके थे वहाँ के जीवन को बड़ी करीब से देखा था, उस जीवन से मुतासिर होकर उसने ये आगाह करवाना चाहा था अपने लोगों को, जनता को, राजनीतिक पार्टियों को कि इनके साथ क्या हो रहा है, और उन लोगों को जो अंधविश्वासों में जकड़े थे उनको उनमें से निकालने की कोशिश, रूढ़ियों में से बाहर निकालने के लिए, उन बेड़ियों से जहां जकड़े पड़े थे जी जी। तो उन्होंने कास्तु दा काला तित्र कहानी में किस तरह से एक औरत की व्यथा को बखान किया था जी जी। तो इस तरह से वो व्यथा उनकी वेदना को मैंने पात्रों की ही जबान से मुखरित किया, तो मुझे लगा कि ये पात्र खुद बोल रहे हैं। तो जल्दी से हम चाहेंगे कि जो आपके बाकी रूपक भी इसमें शामिल हैं उनका भी आप थोड़े संस्कृति के पहलू पे हैं जी जी। एक तो डुगर के पर्वों त्योहारों पे है, डुगर के मौसमी खान पीन जो मौसम के हिसाब से हमें मिलती है, यहाँ की सौगाते व्रत नत में जो लोग खाते पीते हैं उनकी क्या क्या डिशेज स्वाद से बनती है, तो ये है कि ये खाने पीने की रोचकता को लेकर है ये सारी चीजें, हाँ अलग अलग है, मैंने कहा संस्कृति की झलक भी आ जाए और साहित्य की भी आनी चाहिए जी जी और जी। भाषा की भी। अब महिला सशक्तिकरण की बात भी हम करते हैं और इसके लिए दिन भी हम मनाते हैं, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिखने वालों को, हमारे सुनने वालों को? देखिए जहाँ तक डोगरी लिटरेचर का सवाल है, इसमें शुरू से ही प्रगतिवादी रुझान रहा और महिलाओं की बात की गई, उनके शोषण की बात की गई, उन्हें जागरूक भी किया गया। फिर भी मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को स्वयं भी आत्मबल रखना चाहिए और हर महिला को चाहिए कि दूसरी महिला के साथ सहयोग भी करे, तभी समाज जो है उनसे शिक्षा लेके आगे बढ़ेगा। महिलाओं को सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, पढ़ी लिखी होगी तो उसे सारी जानकारी भी होगी। समय की बंदिश है हमें, प्रोफेसर डॉक्टर वीना गुप्ता जी आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में तशरीफ लाई अपनी व्यस्तताओं के दौरान, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी का भी धन्यवाद। प्रख्यात डोगरी लेखिका प्रोफेसर वीना गुप्ता को आपने सुना।
आपसे बातचीत की वरिष्ठ उद्घोषक रविकांत शर्मा ने। स्वरांश सौजन्य, रेणु रैना, आकाशवाणी जम्मू। हमारे पुतुल सुन नारदा तुम न तुम तना नचत देखी हमारे पुतुल सुन। माना कि कई बार पत्रिका के रेडार पर राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं का उल्लेख छूट सा जाता है, समय भाव के कारण ही कह लीजिए। लेकिन जहां बाल साहित्य में योगदान की बात हो तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसी सिलसिले में याद ताजा हुई मशहूर बांग्ला लेखिका लीला मजुमदार की। पहला सवाल जो जहन में आता है कि क्यों पढ़े हम लीला मजुमदार को। लीला मजुमदार का नाम आते ही जहन में वो सारी उनकी कहानियां जो उन्होंने बाल मन को केंद्र में रख कर लिखा, वो सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में आ जाती है। अमूमन हर बंगाली पाठक या फिर यूँ कहिए कि एक साधारण जो बंगाली जन भी है वो भी लीला मजुमदार को जानते हैं उनके बाल साहित्य के कारण। क्योंकि ये आप भी मानेंगी कि विश्व के श्रेष्ठ बाल साहित्यकारों में जो है उनकी गिनती होती है। और उनको कहा जाता है कि वो बाल मन की चितेरे थी। उनके जो एक रंगीन दुनिया होती है, उनका उन बच्चों की जो अपने परियों का एक संसार होता है और उनके मन के गहन में कौन कौन सी बातें चलती है, इसका पता कभी कभी बड़ों को नहीं होता है। लीला मजुमदार अनायास उनके उस मन के जगत में वो गोते लगाती थी और वहाँ से सारे मणि माणिक मोती वो चुन कर लाती थी और उन्हें कहानी के रूप में पिरोती थी। तो यही कारण है कि केवल बच्चे ही नहीं बड़े भी लीला मजुमदार को पढ़ेंगे। उनका जन्म ऐसे घराने में हुआ जिस घराने में हम उपेंद्र किशोर राय चौधरी से परिचित होते हैं, हम सत्यजीत रे को तो हम सभी जानते हैं, तो और ये सब भी अपने समय के बहुत ही प्रभावशाली लेखक रहे हैं। तो लीला मजुमदार के लेख और मान लीजिए उपेंद्र किशोर राय चौधरी के लेख में क्या अंतर है और वो आपको कितना समान लगता है, कितना अलग लगता है? दरअसल ये जो एक चित्रमयता का जगत जो उन्होंने एक तैयार किया था, ये उन्हें विरासत में मिली थी। आपने जिस राय परिवार की बात कही, उपेंद्र किशोर जी उनके ताऊ जी थे और वो ताऊ जी का ही वो बुना हुआ संसार था जिनमें बचपन से उन्होंने प्रवेश किया। उपेंद्र किशोर राय चौधरी बहुत विख्यात है, बच्चों की कहानियाँ वो लिखते थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो है जीव जंतु का प्रवेश आता था। मनुष्य के साथ साथ वो जानवर भी बिल्कुल साथ साथ विचरण करते थे और उस कल्पना के जगत में जहाँ बच्चे जो है वो अनायास प्रवेश कर सकते थे, वो देखते थे कि कहीं पर भी मनुष्य के साथ उन जीव जंतुओं का कोई भेद नहीं था। वो उनके साथ घुलते मिलते बातचीत करते और एक बहुत अजीब सा जो है एक संसार अपना रचते, जो कि बच्चों को बहुत पसंद था। लीला जी बचपन में इसी संसार में विचरण करती थी, इसलिए वो उनसे बहुत प्रभावित भी। और उसके बाद आप जानते हैं कि उपेंद्र किशोर राय चौधरी, ये राय परिवार एक ऐसा परिवार था कि जिसमें जैसे ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक से एक जो है बढ़कर जो है साहित्यकार, चित्र निर्माता, संगीतकार हुए। पूरा परिवार जो है वो साहित्य और संस्कृति के जो है गंगा जमुनी धारा में जैसे कि वो बह जाते थे और दूसरों को भी बहा ले जाते थे, ऐसी उनकी संस्कृति थी। तो इन सबका अगर मिला जुला साहित्य का प्रभाव आप देखेंगे तो आप उसमें लीला जी को पाएंगे। लीला की रचनाओं में अगर जीव जंतु आए हैं, परिया भी आई हैं, एकदम आम नटखट बच्चे भी आए हैं, तो डिटेक्टिव और भूत भी आए हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जहाँ पर भूत है लेकिन भूत का डर नहीं है, डाकू है लेकिन कोई खून खराबा नहीं है, और एडवेंचर है तो आगे जीत की जो है वो बुलावा भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो लीला मजुमदार का नाम कुछ नया सा लगता है, ऐसा क्यों है? बहुत ही वाजिब सवाल है कि देखिए ये अनुवाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है कि उनका साहित्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है लेकिन क्यों नहीं सब तक पहुँचा। कुछ पहुँचा है, लेकिन आपको मैं बताऊँ, आप जब मैं देखती हूँ, मेरा बचपन जो है वो भी परियों की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर मैं बड़ी हुई हूँ और उसमें लीला मजुमदार जो है उनके जो उनका पूरा साहित्य लगभग मैंने पढ़ा है और मुझे बहुत प्रिय है वो, मेरी लेखिका बहुत प्रिय लेखिका है। बड़े होने के बाद भी मैंने कहा था कि एक बड़ा पाठक
वर्ग जो कि बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं हैं, वो भी उनके रचना के जो है बहुत बड़े प्रेमी हैं। तो वहाँ मैंने देखा है कि जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेखक आप ले लें, चाहे वो एनिड ब्लैटन हो, चाहे वो हैंस एंडरसन हो, या फिर हाल के जो है हैरी पॉटर सीरीज की जो रचयिता है जेके रावलिंग, लेकिन मज़े की बात यह है कि भाषा जो है उन्होंने बांग्ला को चुना था अपनी मातृभाषा को, जबकि वो अंग्रेजी में ही मतलब पढ़ी लिखी थी, वो प्रथम श्रेणी में प्रथम होती रही और वो अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने जो है स्नातकोत्तर किया था। लेकिन मातृभाषा के प्रति आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, अभी अभी हम लोगों ने मातृभाषा दिवस का भी पालन किया है, मातृभाषा के लिए उनका प्रेम ऐसा था कि बाद में उन्होंने चलकर फिर से एमए किया बांग्ला में स्नातकोत्तर कलकत्ता विश्वविद्यालय से, उसमें भी वो अव्वल आई और उन्होंने अपनी मातृभाषा को चुना। और जबकि वो अंग्रेजी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, उनकी तीन किताबें हैं, वो मैं आपको अभी नाम बता देती हूँ कि वो तीन किताबें कौन सी थी, जो कि एनबीटी से भी बाद में निकली और चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट से, टाइगर टेल्स, रिप द लेपर्ड एंड हाउस बाय द वुड्स। लेकिन क्योंकि उन्होंने बांग्ला में लिखा और वो अनुदित होकर या फिर उनके ही कलम से अंग्रेजी में जो है भाषांतरण होकर वो बाहर तक नहीं पहुँची शायद, इसलिए लोगों ने नहीं जाना। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लीला मजूमदार को उस तरह का प्रचार नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा, ये तो आप ही लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो ने इतना अच्छा एक जो है कार्यक्रम किया है उन पर, तो निश्चित रूप से कई लोग जानेंगे, शायद कोई रुचि भी लो और फिर से नए सिरे से जो है लीला मजूमदार को पढ़े, ये एक कारण है। दूसरा, वो बहुत अच्छी अनुवादक थी क्योंकि वो खुद जो है ये भाषाएं जानते थे। एनबीटी के लिए उन्होंने काम किया, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के लिए उन्होंने काम किया, साहित्य अकादमी से उनके दो अनुवाद निकले, एक थे गैलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट की और दूसरी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन ऑन द सी, उसका भी। और सिर्फ यही नहीं, कई किताबें उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, स्पेशली जो है स्त्री चिंतन पर, स्त्री विमर्श पर, वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण। सुमा जी, आखिरी सवाल, लेकिन अगर कोई बंगाल से बाहर पल बढ़ रहा हो और ऐसे व्यक्ति अगर बांग्ला साहित्य से जुड़ना चाहे, तो आप क्या कहेंगी कि लीला मजूमदार से शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर हम सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ ही झुक जाते हैं क्योंकि वही नाम आपने 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 रविंद्रनाथ टैगोर की बात कही, निस्संदेह वो एक ऐसे विराट विशाल एक बरगद के पेड़ जैसे हैं जिसके शाखाओं में सब पले बड़े हैं, उनको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन केवल वही नाम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस नाम के पीछे सारे जो है छुप जाए हैं। तो लीला मजूमदार खुद भी एक बहुत बड़ी जो है लेखिका थी और उनको गुरुदेव का आशीर्वाद एकदम शुरू में ही प्राप्त हुआ था जब वो 13 साल की थी। अच्छा, उनको ऑटोग्राफ कलेक्ट करने का भी बहुत शौक था। अच्छा, तो उन्होंने प्रशांत कुमार महलनाबीश जो कि आप जानते हैं ISI है जी, हाँ, उससे भी ज़्यादा जुड़े हुए थे और खुद भी अच्छे लेखक थे, उनके हाथ में उन्होंने ऑटोग्राफ बुक दिया और कहा कि गुरुदेव से मेरे लिए दो संदेश आप लेकर आना। तो गुरुदेव ने कौन सा आशीर्वाद उन्हें दिया था, मैं बांग्ला भी पढ़ूंगी आपके लिए और हमारे श्रोताओं के लिए उसका हिंदी अनुवाद करूंगी। जी बिल्कुल। वो कहते हैं, नामे राखोर क्यानो लिखिस निजेर सकल काजे, पारिस यदि प्रेमेर आखोर राखिस जगत माझे, अर्थात नाम के अक्षर क्यों लिखती हो अपने हर काम पर, हो सके तो प्रेम के ढाई अक्षर लिखना दुनिया के नाम पर। तो जीवन भर जो है बच्चों की दुनिया के लिए उन्होंने ये ढाई अक्षर प्रेम के वो लिखती गई और इसीलिए वो अमर है। इसलिए अगर कोई पढ़ना चाहे, आजकल बहुत से आपको ऐसे ब्लॉग, ऐसे जो है वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पर ये साहित्य जो है वो उनका अनुवाद भी अवेलेबल है और बहुत अच्छे प्रकाशन संस्था ये कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये साहित्य और आना चाहिए क्योंकि हमारी धरोहर है, हमारे जो परंपरा का एक हिस्सा है, हमारी इतिहास का एक हिस्सा है, साहित्य के इतिहास का। लीला मजूमदार के कृतित्व पर प्रकाश डाला बाबा साहेब आम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय ने। आपके साथ थी आकाशवाणी कोलकाता स्थित हमारी सहकर्मी शमाइता दास। 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे है। इंसानी जिंदगी पर कविता विधा ने सदियों से सकारात्मक प्रभाव ही आलोकित किया है। पूरी दुनिया में संपूर्ण नजाकत के साथ, पूरी मार्मिकता के साथ। ये क्या ही संयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को 1971 में पद्मश्री से सम्मानित सुविख्यात कवि और गीतकार, शब्दों और भावों के जादूगर साहिर लुधियानवी की जयंती है।
झूला धनक था धीरे धीरे हम झूले, अंबर तो क्या है तारों के भी लब झूले, मस्ती में झूले और सभी गम भूले, देखे न पीछे उड़ते निगाहें, आ जा चल दे कर दूर फैली हुई है सपनों की। कई गीतों में साहिर ने महिलाओं की तत्कालीन सामाजिक स्थिति का मार्मिक उल्लेख किया है। बनाई जो रस्में उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बान और बलिदान कहा, किस्मत के सोशल मीडिया पर उल्लेख मिलता है कि साहिर साहब के अथक प्रयासों के कारण ही उस जमाने में रेडियो पर बजाए जाने वाले गीतों में कवि गीतकार का नाम लेना अनिवार्य कर दिया गया। रेडियो यानी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। आज भी हमारे चैनल विविध भारती पर साहिर लुधियानवी नाम अक्सर सुनाई देता है, उनके जन्म के लगभग 102 वर्ष बाद भी। दोस्तों, आज के फनकार एक ऐसी शख्सियत के नाम जिनकी नज्म सुनकर हम उदास होते हैं, जिनके गीतों में हम अपने जज्बात घोल देते हैं, जिनके अल्फाज में हमें पनाह मिलती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक ऐसे शायर, गीतकार, कलमकार जिनकी शायरी में नर्मो नाजुक लफ्ज हैं, कहीं उदासी का दरिया है, कहीं विद्रोह की आग है, कहीं नाकामी है, कहीं मोह भंग है, तो कहीं रूमानियत का उफान है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, आज के फनकार हैं शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी, जिन्होंने कुछ बेहद सरोकार भरे गीत हिंदी सिनेमा को दिए। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। लौटते हैं वर्तमान में। कई सालों बाद राजधानी में विश्व पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। साहित्य प्रेमियों, प्रकाशकों और आम दर्शकों का उत्साह आंका जाए तो ये इवेंट राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण कदम ही है। आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष इसका प्रमुख बिंदु है। इस वर्ष का एक बड़ा आकर्षण है अतिथि देश फ्रांस का साहित्यिक पेविलियन। इसे फ्रेंच ग्राफिक नॉवलिस्ट सिमोन लामूरे ने डिजाइन किया है। उद्घाटन समारोह में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रेंच लेखिका एनी अर्नों के वक्तव्य ने सबके दिलों को छू लिया। दुनिया के कई देशों के प्रकाशक न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों और युवाओं के पेविलियंस पर उमड़ी भीड़ का उत्साह देखकर साफ प्रतीत होता है कि पुस्तकों के प्रति लगाव में कोई कमी नहीं आई है। कॉमिक्स से लेकर प्रवेश परीक्षा मार्गदर्शिकाएं तो बहुत ही लोकप्रिय साबित हो रहे हैं। मेला देखने के बाद ऐसे कितने ही लोग होंगे जो लेखन के लिए प्रेरित हुए होंगे, उन सभी को पत्रिका की शुभकामनाएं। समय का ये पड़ाव भारतीय साहित्य के कुछ सशक्त स्तंभों के जीवन चक्र की अहम तिथियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। महाकवि वल्लभ तोल, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु और कुसुमाग्रज के अतुलनीय योगदान को पत्रिका का विनम्र नमन। नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।